अतिनिकुल बैराज से छोड़े गए पानी ने फरदाबाद में त्राही त्राही मचा दी है। यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से यमुना के साथ लगते गांवों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बाढ़ में बसे लतीपुर गांव के सैकड़ों लोगों को पुलिस बस में लाया गया और जिन्हें गाँव अरुआ के सरकारी स्कूल में सुरक्षित रखा गया है। जिला प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था के लिए गाँव अरुआ के निवासियों को भी ड्यूटी लगाई है और साथ ही अपील की है कि इन लोगों को इनकी मदद करें, उनको खाने पीने की सुविधा दें। यमुना का रौद्र रूप देख फरदाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और गांव को खाली करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बल्लभगढ़ एसडीएम राजेश कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाढ़ में फंसे लतीपुर गांव के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर गांव अरुआ के सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। गाँव के सैकड़ों लोगों को पुलिस बस में सुरक्षित यमुना जल स्तर से बचाया गया है और अब उन्हें सरकारी स्कूल में पनाह दी गई है। चेहरों पर खौफ और अपने घरों को छोड़ने का गम इन लोगों में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर ये लोग अब यमुना के बढ़ते जल स्तर से डरे हुए हैं और अपने घर और सामान को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंचे हैं, जहां एसडीएम राजेश कुमार ने गांव अरुआ के लोगों से अपील की है कि वह इन लोगों की मदद करें और इनके खाने पीने की व्यवस्था करें। वहीं गांव लतीपुर के सरपंच ने बताया कि उनके गांव को शिफ्ट कर दिया गया है और वह अब सुरक्षित है। हालांकि उनके पड़ोसी गाँव दूलेपुर पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको भी समय रहते हुए शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरपंच साहब, आज लतीपुर गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया है, किस क्या स्थिति बनी हुई है, पानी की क्या समस्या है? पानी तो चढ़ रहा है। अच्छा, कल से काफी बढ़ा है। तो इसीलिए गांव के लोगों को शिफ्ट किया जाए? हाँ, गांव के लोगों के कुछ लोग कल लाए थे और कुछ लोगों को आज निकाला है जी। और एसडीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग है, पूरी टीम का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, एसएचओ साहब का। और भी पंचायत गांव है आपके, जो आपकी पंचायत कंडराते हैं, वो भी खतरे में अभी बने हुए हैं, किस तरीके, कौन कौन से गांव है, कब तक ये? मेरा सबसे जो खतरे में गांव है वो गांव है लतीपुर जी, और उसी को बचाने में पहली मुहिम लतीपुर बचाने की जी। और भी गांव है उसके बाद में मेरा दूसरा गांव दूलेपुर। अच्छा, उस दूलेपुर गांव में अभी ऐसी समस्या नहीं है कि वो खतरे में हो, क्योंकि उसको जमुना से उसे भी शिफ्ट करने की बात चल रही है। शिफ्ट करने की बात है, उसमें पानी की स्थिति हम देख रहे हैं बार बार, अगर हमको लगेगा कि पानी की स्थिति खराब है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम उनको साथ के साथ शिफ्ट करा लेंगे। तो अभी फिलहाल लतीपुर को जो शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया, किस तरह की व्यवस्था बनी गई है? लतीपुर गांव को हमने अरुआ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया है। क्या व्यवस्था की गई है? और वहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, स्कूल में पंखों की, दरी की पूरी व्यवस्था है, जनरेटर वगैरह की पूरी सुविधा है। एक बड़ी मुसीबत माने, अभी भी पानी जो बता रहे हैं 5 लाख कुछ करके अभी छूट रहा, अभी दिल्ली नहीं पहुँचा है वो, तो वो जब आएगा तो क्या हालत बन जाएंगे? अगर वो 5 लाख का 5 लाख क्यूसेक जो पानी बता रहे हैं, अगर वो एक साथ आ गया तो फिर तो फ्लड घोषित हो जाएगी।